सभी दोस्तों का एनपी अपडेट्स में स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद पाकिस्तान बहुत आग बबूला हो गया था और उसने बहुत चौचले किए थे। उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाइव टीवी पर आकर घोषणा की थी कि भारत से सभी प्रकार की ट्रेड बंद कर दी गई है और जब तक भारत 370 की धारा को वापस नहीं लगाता तब तक भारत से किसी भी चीज़ की एक रुपए की भी ट्रेड नहीं की जाएगी। लेकिन अगले चंद दिनों में ही पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ गई थी और उन्होंने जीवन रक्षक दवाइयां भारत से मंगवानी शुरू कर दी थी। तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने बहाना बनाया था कि क्योंकि ये जीवन रक्षक दवा है और गरीबों को इसकी ज़रूरत है तो इस सिर्फ हम इन दवाओं की छूट दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालात आज इतने बदतर हो गए कि आज पाकिस्तान फिर से मजबूर होकर भारत से चीनी और कपास मांग रहा है और गिड़गड़ा रहा है। इस क्लिप में आप आगे देखिए कि इमरान खान के मंत्री किस तरह से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि भारत से चीनी और कपास मंगाई जाएगी और क्यों मंगाई जाएगी, और कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ सस्ता है इसलिए हम मंगवाने पर मजबूर हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और देखिए पाकिस्तानी मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। हमारी जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ हुआ है, हमने पूरी दुनिया से इंपोर्ट तो अलाउ की है चीनी की, लेकिन बाकी दुनिया में भी चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमू पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए, जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए और कीमतों में भी इजाफा हो। इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुँचेगा। इसी तरह कॉटन की इस वक्त कपास की बहुत मांग है पाकिस्तान में, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ टेक्सटाइल की, और कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं थी पिछले साल कपास की, तो हमने सारी दुनिया से कॉटन की इम्पोर्ट कपास की अलाउ की हुई है लेकिन इंडिया से नहीं की हुई, और इसका बराह रास्त फ़र्क SMEs पे पड़ता है, यानी कि जो छोटी सनत है। बड़ी सनत तो मिस्र से भी मंगा लेती है, दूसरे ममालिक से भी मंगा लेती है, महंगी भी मंगा लेती है, लेकिन SMEs के लिए ये ज़रूरी है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोज़ल के ऊपर हमने ये ECC में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इम्पोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। आज काबीना में जो ECC का फैसला था जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंक्ड बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ECC के फैसले की तायद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी एक तासर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है, तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफिका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इकदामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा।